वेलकम टू तभी तभी पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम इसमें इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आज हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सीटेट के रिलेटेड कुछ अच्छा काम करते रहते हैं जो सभी के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सीटेट और इसमें अदर टेट भी आ जाते हैं, क्योंकि जो सबका जो कॉन्सेप्ट है या जो चीज़ें है स्कूल से रिलेटेड और पेडागोजी से रिलेटेड वो सेम ही होती है, ठीक है। ये अदर टेट में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो हम स्टार्ट करते हैं कल की वीडियो के लिए। सॉरी क्योंकि उसकी क्लियरिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी। आई होप आज की वीडियो की थोड़ी क्लियरिटी अच्छी होगी। तो हम इस वीडियो में आज क्या क्या कवर करेंगे ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो हमारा आज का कंटेंट होगा क्या होगा, सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, नेक्स्ट है साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, एंड नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमनली सीन इमोशंस इन चाइल्ड। बेसिकली चाइल्ड्स के बिहेवियर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये क्या है यहाँ पे, ये नेक्स्ट है डिस्ट्रेस और क्राई, बच्चे जो रोते हैं उनके डिस्ट्रेस और क्राई के बारे में, एंगर, फियर, एंग्जाइटी, फोबिया, समरी, और ये हम ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे आज कवर करने जा रहे हैं। सो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, बढ़ते हैं हम अगली चीज़ों पे। बेसिकली आपने देखा होगा इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस यानी कि आप जो फील करते हो, मतलब आप गुस्सा, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, मतलब कभी कभी आपको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो आपका फेस कैसे होता है, ख़तरनाक वाला है ऐसे फेस होता है, गुस्सा आ गया आपको, ठीक है, ये आपका इमोशन है। नेक्स्ट आप कभी कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो तो वो भी आपके लिए क्या होगा, एक इमोशन होगा, ये है। अरे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, इमोशन है ना, तो अब अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग इमोशनली आपके डेवलपमेंट होगे। कभी कभी आप होता कि किसी चीज़ को लेकर आप रोने लगते हो, ठीक है, आप उस टाइम पे हैप्पी नहीं होते तो आप रो रहे हो यहाँ पे, मतलब आपको उस चीज़ नहीं मिली रो रहे हो, तो ये सब क्या है, इमोशन है। तो जो इनका डेवलपमेंट होता ना, ये बेसिकली हम बाय बर्थ थोड़ी होते, हमारे बाय बर्थ नहीं आते। आपको ये कैसे पता, अगर आपने आप में जन्म लिया तो आपको ये कैसे पता चला कि मतलब कि मुझे गुस्सा करना है, रोना है मुझे, या लड़ाई करनी है, ठीक है, ये आपको नहीं पता चलेगा ना बाय बर्थ। तो आपको जो है ना ये डेवलप होते हैं, हमारे जो जब आप पैदा होते हो उसके बाद ये डेवलप होना शुरू करता है, और एज वाइज इसका डेवलपमेंट होता रहता है और ये मॉडिफाइड भी होता रहता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, जो चिल्ड्रन का और एडोलेसेंट्स का डेवलपमेंट है, प्रेजेंट ए ह्यूज वेरिएशन अकॉर्डिंग टू एज, मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, टेम्परामेंट, एक्सपीरियंस, फैमिली बैकग्राउंड एंड कल्चर बैकग्राउंड। तो बेसिकली इसमें इन्होंने जो है, इसमें इमोशनल डेवलपमेंट को इन्होंने डिफाइन किया है कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, हमारी जो मैच्योरिटी है, हमारी मतलब एज वाइज जब हम बढ़ते हैं तो उसमें जो हमारे डिफरेंस आते हैं वो क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। सपोज आप बच्चे थे, ठीक है, आप यहाँ पे एक बच्चे हो अभी, सपोज आपकी ईयर 1 ईयर है, आपकी एज क्या 1 ईयर है, ठीक है, तो अभी आपका क्या फोकस होगा कि यार मतलब फ्रेंड खेल ले, आपको खाना पीना मिल जाए, वो आपके लिए सेटिस्फैक्शन है। लेकिन आप जितने बड़े होगे आपकी डिमांड उसी तरह से बढ़ जाएगी और आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी तरह है, उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपना जो एक इमोशनल उससे टच हो जाओगे, समझते हो ना। सपोज आप एक कोई पेट रख लेते हो, ठीक है, पेट रख लिया आपने, ये मान लो ये आपका एक पेट है, आपने इस पेट को रख लिया, आप इसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, तो आप इससे क्या इमोशनल टच हो जाओगे, आपको उससे लव अफेक्शन जो कहते हैं ना उसको, ये कोई ऐसी चीज़ आप जिससे हेट करते हो तो मतलब आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है कि आप उससे कैसे अट्रैक्ट हो या उससे कैसे हैप्पी हो। तो इमोशनल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाली चीज़ें कौन कौन सी यहाँ पे, मतलब जब हम मैच्योरिटी होती है तो हमारा इसमें इमोशनल डेवलपमेंट बढ़ता है, वो मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, टेम्परेंट जो टेम्परमेंट होता है हमारा, ठीक है, एक्सपीरियंस की हमने जो हमारे हमने फील किया चीज़ों को, जो हमने मतलब जो हमारे पुराने जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे उन पे हम चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट है फैमिली बैकग्राउंड, जो हमारी फैमिली होती है वो भी कहीं ना कहीं हमें इमोशनल डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प देती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर बैकग्राउंड, जो कल्चर बैकग्राउंड है वो भी हमारे कहीं ना कहीं इमोशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कल्चर बैकग्राउंड का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज़
किस जो अलग अलग कल्चर से अलग अलग बच्चे होते हैं, तो वो इमोशनली अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरह से टच में होते हैं। नेक्स्ट है, दिस फीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड्स डेवलपमेंट ऑन अंडरलाइंग इमोशंस। जो इमोशंस है ये किसी एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसकी लाइफ को जो एक आगे जो डायरेक्शन देनी होती है उन्हें, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको इमोशनल डेवलपमेंट तो समझ नहीं आ गया होगा कि जो हम एज वाइज जो हमारे अंदर चेंजेज होते हैं ना, जो हम जब एडोलसेंट से चाइल्डहुड से एडोलसेंट में जाते हैं, जो हमारी एज में वेरिएशन होता है, तो हमारी मेच्योरिटी लेवल में वेरिएशन होता है, तो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में वेरिएशन होता है, हमारी चीज़ों की जो सोच सीखने सीखने का और सोचने का तरीका है वो भी बदलता है। ठीक है, बेसिकली वो मॉडिफाई होता है। आप क्वांटिटी आपकी उतनी रहती है सोचने की, लेकिन तुम्हारी डायरेक्शन चेंज होती है, तुम किस लेवल का सोच पा रहे हो। नेक्स्ट हमारा इसमें ये सेम हमारा इसमें वो जो होता है ना, ये सेम इस पर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट पे हम बढ़ते हैं। कंक्रेंटली दीज एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू कोप विद द डेंटल ट्रीटमेंट। ठीक है, जो बच्चा बच्चे का अगर आपने क्या एक इमोशनल डेवलपमेंट हो गया उसका, तो ये बच्चे से जितना डेंटल ही गया उस जितनी भी उसको परेशानी है उससे कोप अप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अकॉर्डिंग टू द एज एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सम चिल्ड्रन रिमेन क्लेम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। जब बच्चा सपोज आपने कुछ उसका ट्रीटमेंट करा दिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको बच्चे को क्या, वो आपको कंप्लेन करता रहेगा किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, आप उस चीज़ के बारे में उन्होंने कंप्लेन कर दी, इसके बारे में उन्होंने कंप्लेन कर दी, तो वो कंप्लेन करता रहता है। लेकिन जिसका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है कहीं हद तक, वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हुआ नहीं है, ठीक है, और ना ही इतनी ज़्यादा शिकायतें करता है, तो अपना बिंदास लाइफ जीता है। ठीक है, अब वो उस चीज़ों को एक कॉम्प्रिहेंड वे में समझने की कोशिश करता है। ठीक है, आप सपोज आपने ये टास्क के बच्चे को ये काम दे दिया, चलो कि तुम ये कुछ पजल्स रखे हो या कुछ सामान रखा हो, इसको यहाँ से ले आके कैरी करके इसको इधर ले जाओ, तो बच्चा अगर इमोशनली या एक पॉजिटिव थिंकर होगा तो उसको ले जाके इधर रखेगा चुपचाप से। लेकिन एक होता ना कि जो इमोशनली पूरे डेवलप नहीं हुए, वो चीज़ों को नहीं समझते उतने अच्छे से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये इन 2 to 5 ईयर एंड 11 to 12 ईयर एडरेनल ग्लैंड गेन वेट रैपिडली एंड लिब्रेशन ऑफ अंडरलाइन इज ब्लड इज विगरेस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्री स्कूलर्स इज हाईली इमोशनल एंड इमोशनल ऑब्सटर्ड आर प्रोलोंग टू। जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं 2 to 5 ईयर, जो 2 to 5 ईयर के बच्चे होते हैं एंड 11 to 12 वाले, वो बेसिकली काफ़ी इमोशनल्स होते हैं, है ना, काफ़ी इमोशनल होते हैं वो। और उनका जो देखो ये कौन सा ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड, जो हमारे गुर्दे होते हैं ना, उनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी इसमें बढ़ता है, समझ लो ना, बढ़ता है इसमें साइज़ उनका। एंड वो एक काफ़ी इमोशनली टच, जो इस एज में देखोगे आपने बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा टच फील, समझ लो कि एक नहीं हो तो उनसे रोने लग जाते हैं, अगर कर दिया तो वो बहुत खुश होते हैं उसमें, तो उनका ये सीन होता है इसमें। जो इमोशनल, हम एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस आर एन इफेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इन विच जॉय, सोरो, फियर, हार्टेड और लाइक आर एक्सप्रेस, जिसमें खुश, दुख एंड लव, अफेक्शन और हेट, ये सब एक्सप्रेस किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, इमोशंस। सेकेंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इमोशन आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग स्टेट अराइजिंग सब्जेक्टिवली एंड डायरेक्टेड टूवर्ड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। जो इमोशंस होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है जो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर डायरेक्टेड होती है, विद साइकोलॉजिकल सोमैटिक एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स, विद साइकोलॉजिकल सोमैटिक एंड बिहेवियर कंपोनेंट। बेसिकली इसमें क्या फॉलो करा है, बिहेवियरिज्म। ठीक है, एक आपका कुछ एक एक जो एक उनका एक पर्टिकुलर कुछ एक डायरेक्टेड उनका बिहेवियर होता है किसी चीज़ को लेके, ठीक है, वो उसी पे ज़्यादातर फोकस करता है। सपोज कि एक बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा किसको मानता है, घर में भी वो कैटेगराइज कर लेता है कि अच्छा
मम्मी ज़्यादा अच्छी है, मम्मी ज़्यादा प्यार करती है, ऐसे उनको ज़्यादा करेक्टराइज कर लेता है कि अच्छा अबे यार पापा तो मारते हैं ऐसा करके, वो मतलब एक उसका अलग ही परसेप्शन होता है चीज़ों को देखने का, ठीक है, एक तरह ही वो डायरेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है, देयर इज नो कॉन्शियस डेफिनेशन बिकॉज इमोशन इज मैनी थिंग्स दैट वंस। इन्होंने कहा कि जो इमोशंस क्या है वो कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, इमोशंस कई सारी चीज़ों का एक पैकेज है, पूरा पैकेट है। वे वी फील व्हेन वी आर इमोशनल, जब हम इमोशनल होते हैं द बिहेवियर अराइज, बेसिकली जब हम इमोशनल होते हैं तो हमारे में क्या क्या चेंज आते हैं, हमारे एक तो लैंग्वेज टोन ही चेंज हो जाती है, हमारे बॉडी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, तो वो सब कुछ में चेंज हो जाता है, वो सब इमोशनल के अंडर आता है। द साइकिल और बॉडी बेसिस दैट इमोशंस आर एक्सप्रेस बाय लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्टर्स, हमारे मतलब जो हम बोलते बोलते टाइम अपने हाथ पैर हिलाते हैं जेस्टर इशारे करते हैं, वो सब चेंज हो जाते हैं जब हम इमोशनली होते हैं किसी चीज़ को लेके, कुछ ज़्यादा ही हम मतलब यू नो उसके टच में होते हैं। आप भी देख लो, जब सपोज आपको कोई पेट है, पेट को अचानक से कुछ मतलब उसको बीमारी हो गई या वो कुछ हार्ट उसको कोई हार्ट कर रहा है या आपको किसी वजह से उसको परेशानी हो रही है, तो आप इमोशनल हो जाओगे उसके लिए ज़्यादा, और आप अपना खुद का ही चेहरा देखना, ऐसा आप सपोज कर सकते हो कि मैं इमोशनल कब होता हूँ और कब मैं कैसे बिहेव करने लगता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो टी मॉर्गन, आरे किंग एंड एम डे रॉबिन्सन थे, इन्होंने कहा कि जो इमोशन है वो एक सिंपल एक चीज़ नहीं है, वो कई सारी चीज़ों का पैकेट है ना, कि यहाँ पे जेस्टर्स आ गए, यहाँ पे इमोशंस आ गए, आप बॉडी लैंग्वेज सेंस ये आ गए सब। तो इन्होंने लैंग्वेज को एक पैकेज में डिफाइन किया, इमोशंस को एक पैकेज में डिफाइन किया है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो इमोशंस की अगली डेफिनेशन जो उन्होंने दी है वह, इमोशन इज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर, मेडिटेशन बाय न्यूरल हार्मोनल सिस्टम विच कैन बी ए गिव अराइज टू इफेक्टिव एक्सपीरियंस सच एज फीलिंग ऑफ अराउजल प्लेजर, जब हमें खुशी की अनुभूति होती है ना, खुशी की अनुभूति होती है तो हम एक इमोशनली से हमारा एक्सपीरियंस होता है, जनरेट कॉग्निटिव प्रोसेस सच एज इमोशनली रेलिवेंट स्पिरिचुअल इफेक्टिव अप्रेजल लेबलिंग एंड प्रोसेस, जब आप अपने कोग्निटिव लेवल से कुछ अच्छा मतलब एक कुछ गुड अचीवमेंट होती है आपके लिए तो आप इमोशनली भी काफ़ी ऐसे हैप्पी होते हैं, एक्टिवेट वाइड स्प्रेड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट टू द अराउजिंग कंडीशन, फॉर डी है इनका, लेड टू बिहेवियर दैट ऑफन बट नॉट ऑलवेज एक्सप्रेसिव गोल और डायरेक्टेड टू एडेप्टिव, ठीक है। इन्होंने इनकी अपनी कुछ चार बातें कही हैं, ठीक है, तो इन चारों को हमने डिस्कस कर लिया, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे। नेक्स्ट हमारा इमोशनल, जो इमोशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इमोशन कितने टाइप के होते हैं, इमोशंस हम बेसिकली हमने कहा था कि जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती है, सपोज आपकी एज यहाँ 1 थी या 10 होगी, आपकी एज बढ़ी, आपकी मैच्योरिटी बढ़ी, आपका मेंटल लेवल बढ़ा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ी, तो आपका इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। वो बेसिकली इमोशनल, आप सपोज आपकी कोई चीज़ है, आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों चीज़ होती है, तो जो हमारा इमोशंस है वो भी दो तरह से है, पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में क्या आता है हम देख लेते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इमोशंस में आता है अफेक्शन, एडजस्टमेंट, जॉय, क्यूरियोसिटी एंड हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, एसेंशियल टू नॉर्मल डेवलपमेंट। बेसिकली ऐसे जो कंपोनेंट है जो हमारे डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, बेसिकली अगर तुम हैप्पी होते हो तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा तभी तुम इतने ज़्यादा खुश हो, ठीक है। अगर तुम कुछ चीज़ इंजॉय कर रहे हो, ऑफ कोर्स ये बात है कि तुमने उसमें कुछ मेहनत की होगी, मेहनत करके तुमने उसमें सक्सेस हासिल किया है, सफलता मिली है या आपको कामयाब मिली है तभी आप उसको इंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है और जो तुम्हारे एसेंशियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेगेटिव डेवलपमेंट, नेगेटिव इमोशन। बेसिक नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं कि जो हमारे डेवलपमेंट या हमारे सक्सेस में रुकावटें या बाधाएं पैदा करें, उसको हम कहते हैं नेगेटिव इमोशंस। इसमें क्या क्या आता है, फियर, एंगर, जेलेसी, जो हार्मफुल होता है हमारे डेवलपमेंट के लिए। अगर आप फियर होते हो, आप कुछ चीज़ छोड़ देते हो या किसी से मतलब आप कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ करोगे, अगर आपको मतलब डर लग रहा है, ठीक है, या आप खुद को ही कोप अप नहीं कर पाओगे चीज़ों से, एंगर, गुस्सा आ गया, मतलब गुस्सा तो एक बहुत ही मतलब एक डेवलपमेंट में इतनी बड़ी रिस्क वो है, ये हर्डल है उसमें डेवलपमेंट में बहुत बड़े। आप ही गुस्सा देख लो, अगर गुस्सा कर रहे हो तो आप यू नो आपने फ्रेंड से गुस्सा कर लिया कि उसने तो आपको नोट्स नहीं दिया, आपको बुक नहीं दी, अब वो आपका गुस्सा है, वो नहीं देगा बुक, आपका आपकी पढ़ाई छूटेगी, तो मतलब उसमें क्या हुआ, आपका डेवलपमेंट रुक गया।
एंड जेलेसी फैक्टर, कि आप किसी से जेलेस हो रहे हो तो वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव इमोशंस होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें क्या, इमोशनल सिक्योरिटी इक्वल टू हैप्पी चाइल्ड। अगर बच्चा इमोशनली सिक्योर होगा तो वो क्या होगा, हैप्पी चाइल्ड होगा। बेसिकली वो किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बेसिकली इमोशनल डेवलपमेंट मोस्टली हमारा पॉजिटिव की पॉजिटिव जो वो है पॉजिटिव इमोशनल, उनकी तरफ ही हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके फ़ायदे क्या, हम फायदे देख लेते हैं। द बेटर अंडरस्ट यह है द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड। अगर पॉजिटिव इमोशनल्स के डेवलपमेंट के अगर सपोज पेरेंट है, पेरेंट के इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा तो बच्चे को कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड को हम अच्छे से समझ पाएंगे और चाइल्ड के इमोशनल डेवलपमेंट में भी हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएंगे। टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजिकल ओरिजिन। अगर सपोज कोई टीचर है तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल ओरिजिन है कि बच्चा किस तरह से सोच रहा है, उसका दिमाग सोचने में किस तरह जा रहा है, कि वो मतलब चीज़ भूत, अब देखा आपने कि छोटी सी एज में बच्चे क्या देख शुरू कर देते हैं, भूत से डरना है, भूत की यूट्यूब वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें कमरे में जाते ही डर लगते हैं, समझ रहे हो। तो उस चीज़ पर बच्चों मतलब पेरेंट्स को फोकस करना चाहिए कि ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए और बच्चों को पॉजिटिव इमोशंस की तरफ प्रमोट किया जाए। डिलीवर डेंटल ट्रीटमेंट सर्विस इन मीनिंगफुल मैनर। ये तो मुझे भी नहीं पता कि डेंटल सर्विस मतलब क्या मीनिंग, एक डेंटल ही होता है कि इमोशंस में। इस्टेब्लिश इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड नेक्स्ट है बेटर टीचिंग फॉर प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव केयर, समझ रहे हो। अगर आप बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट समझ पाए या उससे इमोशनली टच हो पाए तो आप उसको बेटर यू नो ट्रीटमेंट दे सकते हो, बेटर एजुकेशन दे सकते हो, बेटर उसको टीचिंग लर्निंग टीचिंग प्रोसेस समझा सकते हो, टीचिंग उसको दे सकते हो। नेक्स्ट है इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर एक्सक्यूजन। एंड नेक्स्ट है प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। जैसा बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा, जैसा आप बच्चों को जज कर पाओगे तो उसी तरह से आप उसको इमोशनली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट इमोशंस एट डिफरेंट स्टेज। हर स्टेज में क्या होता है, अलग अलग इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं, तो इन्होंने स्टेज वाइज इनको कैटेगराइज किया है। ये आप मतलब खुद ही एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी सोच सकते हो कि जब इन्फेंट एज होता है तो स्टेलाइन रिस्पॉन्स और डिलाइट होता है। नेक्स्ट है जब अर्ली चाइल्डहुड में आता है, एंजाइटी लव अफेयर और ये सब इनका चलता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको जानने में आते हैं। और ये क्या है, ये हमारा लेट अडल्टहुड, बेसिकली अडल्ट की एज से थोड़ा पहले लेट अडल्टहुड। जो अडल्ट होता है वो लास्ट जाकर उनका जो होता है ना, जो इनकी एज खत्म अडल्ट होने वाले होते हो, तो उस एज का ये इन्होंने सिम्टम्स दिए। तो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी ऑफ इमोशंस, जो हमारे इमोशंस है उनकी क्या साइकोलॉजी, मतलब वो मतलब इमोशंस जो है वर्क कैसे करते हैं हमारे, हम जो हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट डिपेंड ऑन मैच्योरेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, कि सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारा मैच्यूरेशन, मतलब सपोज हम बढ़े तो हमारा जो मैच्यूरेशन हुआ उसमें हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या थे हमारे, मतलब जो फर्स्ट जो मैच्यूरेशन, ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट से मतलब अफेक्ट करता है। एंड द नर्वस सिस्टम, इन द नर्वस सिस्टम। एंड सेकंड है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा हेरिडिटरियल जो फैक्टर है ये उस पर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे हम डिफरेंस इन इमोशनल रिस्पॉन्सिव बिटवीन चाइल्ड और एडल्ट अपीयर टू बी पार्टली ड्यू टू क्रोटिकल मैच्योरिटी, क्रोटिकल इम्यूनिटी एंड पार्टली ड्यू टू डिफरेंस इन एंडोक्राइन आउटपुट। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, डिफरेंस इन एजुकेशनल रिस्पॉन्सिवनेस, डिफरेंस इन इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट अपीयर टू बी पार्टली ड्यू टू कॉर्टिकल इमेच्योरिटी एंड पार्टली ड्यू टू डिफरेंस इन एंडोक्राइन आउटपुट। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं और अडल्ट होते हैं उनमें जो होता है कि जो हमारा जो बेसिकली पार्टली डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इमेच्योरिटी होता है।
अगर अडल्ट है वो ज़्यादा मैच्योर होगा और ये कम मैच्योर होगा, तो इनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी इस तरह से अफेक्ट होगा। सपोज ये 10 ईयर बॉय है या 20 ईयर बॉय है, ये 5 ईयर बॉय है, तो ऑफकोर्स इनकी मैच्योरिटी में डिफरेंस होगा और इनके इमोशनल डेवलपमेंट में भी डिफरेंस होगा। सो नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, ये है हमारा नेक्स्ट है, द सिंपैथिक सिस्टम इज एक्टिव ड्यूरिंग एश्योर्ड स्टेट एंड प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर एक्सटेंसिव एक्शन बाय इंक्रीजिंग द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड राइजिंग द लेवल ऑफ सर्टेन हार्मोन्स इन द ब्लड। ठीक है, जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है तो वो हमें क्या, हमारे जो फिजिकल जो वर्किंग है उस पर भी डिपेंड करता है। आपका मतलब आप ज़्यादा टेंशन में होते हो तो आपका क्या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इससे जो है ना हमारा जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, नर्व्स इम्प्लाइज इन दिस सिस्टम विच रीच इन इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स। जो एड्रेनल ग्लैंड है बेसिकली ये हमारा क्या है, गुर्दे से या मतलब स्टमक से रिलेटेड चीज़ें हैं। द नर्व्स इम्पल्सिस इन द सिस्टम विच रीच टू द इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड लोकेट द टॉप ऑफ किडनी ट्रिगर द सिक्रेशन ऑफ एपिक्राइन एंड नॉन एपिक्राइन। बेसिकली ये हमारी क्या बॉडी की फंक्शनिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप मतलब थोड़ा टेंस हो या स्ट्रेस में हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हमारी किडनी या गुर्दों से रिलेटेड हमारे ये जो है ना, ये थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स है, मुझे भी इनका ज़्यादा खास मीनिंग पता नहीं है, तो ये हमारी क्या उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा मतलब एड्रेनल ग्लैंड है वो इमोशनली काफ़ी अफेक्ट करता है चीज़ों को। इन द पार्ट ऑफ ANS द एक्टिव एज में स्ट्रॉन्ग इमोशंस स्पेशली फियर एंड एंगर। ठीक है, जो फियर एंड एंगर है वो कॉमनली बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशंस है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, दोबारा प्रिंट हो चुकी है दो चीज़ें। हाँ ये है, हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमनली सीन इमोशन इन चाइल्ड, ये हमारे लिए काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी अच्छे हैं जो हमारे जो हमें अपने यू नो स्टेट में देखने को मिल सकता है। ये है डिस्ट्रेस्ट और क्राई, जब डिस्ट्रेस्ट होता है बच्चा और चिल्लाता है। नेक्स्ट है एंगर, फियर, एंजाइटी एंड फोबिया। एंगर और एंजाइटी बेसिकली एक ही चीज़ है, लेकिन एंगर तो होता है कि फियर और एंजाइटी एक चीज़ है, फियर और एंजाइटी कॉमन चीज़ है, लेकिन फियर आपको कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट जैसे आपने मतलब कोई अद्भुत चीज़ देख ली जो आपको मतलब डरा दी है वो चीज़ आती है आपको, लेकिन एंजाइटी होती है कि जब आपको कोई एक अननोन चीज़ डराती रहती है जिससे आपको डर लगता है अननोन चीज़ों से जिसको आपने आज तक देखा ही नहीं है, एंजाइटी में आता है। फोबिया हमें किसी का डर है, ठीक है, या कहते हैं ना कि फोबिया ऑफ मैथ्स की मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, उसका हमें फोबिया है, डर लगता है उससे। ठीक है, तो ये है इसमें इसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ चाइल्ड एक्सप्रेस फियर बाय क्राइंग एट द डेंटिस्ट ऑफिस जो है, मतलब अगर बच्चे को आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में ले जाते हो तो बच्चा मतलब रोना शुरू कर देता है वहाँ पे देख के, वो उसका बेसिकली डिस्ट्रेस क्राई होता है। एंड क्राइंग लाइक इमोशनल मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जो हमारा क्राइंग जो क्राई रोने वाला एक पार्ट है क्राइंग वाला, जो एक मतलब एक लाइफ का इमोशन पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है क्राइंग वाला, जैसे फियर, लव, ये सारी चीज़ें इसका एक हिस्सा है। क्राइंग इज अ लेबल टू द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द डेवलपमेंट ईगो विद द न्यूली फाउंड स्ट्रेस्ड। जो क्राइंग है वो एक मतलब एक चीज आप तभी होंगे ना जब आपको मतलब कुछ परेशानी होगी या आपको कुछ ऐसी डिफिकल्टी आ जाएगी जिसको आप क्रॉस करने में आप मुश्किल हो रहे हो और आप इमोशनली मतलब उससे आपको ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उस पर रोना शुरू करें, मतलब खुद से आप नहीं कर पाओगे तो आपको हो जाएगा उसमें, रोना आ जाएगा उसमें। आफ्टर द एज ऑफ 1.5 चाइल्ड डेवलप द वेराइटी ऑफ फियर्स एंड क्राइज फॉर द सिक्योरिटी फॉर मदर एंड कंपनी। अब देखो, अब बच्चों का रोने का भी अलग अलग तरीका होता है, जब वो मतलब सपोज किसी बेड से नीचे गिर गया तो अलग तरीके से रोएगा, अगर उसे भूख लगी है वो तो अलग तरीके से रोएगा, अगर उसे गोदी आना है वो अलग तरीके से रोएगा। ठीक है, मतलब उनमें कैटेगराइज कर लेते हैं बच्चों, और जब उनको डर लगता है वो अलग तरीके से रोते हैं। ठीक है,
तो उसमें बच्चे थोड़ा अलग से उनको मतलब एक कैटेगराइज उनको समझ आ जाती है इस चीज़ में, उनका इतना इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है कि वो अपनी रोने से ही अपनी दो तीन चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम एट बर्थ प्राइमरी इमोशंस, सेकंड है विद विगरेस बॉडी एक्सप्रेशन, जब मतलब एट बर्थ के टाइम बच्चा रोना शुरू करता है तो अपने हाथ पैर और बॉडी एक्सप्रेशन सब इन्वॉल्व करके रोता है, यूजुअली ड्यू टू हंगर कलोनिक और एनी इंटरनल केस, मतलब यह होता है बच्चे को थोड़ा उसको फ्री होना है या उसको भूख लगी हो या उसको कोई सुसु वाला या पोटी वाला उसको कोई हो रहा हो तो मतलब रोना शुरू कर देता है उस एज में, तो उसमें पूरा बॉडी एक्सप्रेशन उसका इन्वॉल्व रहता है, मतलब वो चीज़ें भी उसको इमोशनली टच रहती है। सेकेंड एट द 6 मंथ पे जब बच्चा क्या करते हैं, ये सब बच्चे के यहाँ पे बिहेवियर को इन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है बिहेवियर जो एट द 6 मंथ बच्चे का क्या बिहेवियर होता है, इसमें पढ़ते हैं ग्रेटली रिप्लेस्ड बाय द मिडल एक्सप्रेशन फॉर द फोकसिंग और वोकलाइजेशन, जनरली रिप्लेस्ड बाय मिडल एक्सप्रेशन फॉर द फोकस लाइक वोकलाइजेशन, मतलब अपना बच्चा क्या करता है थोड़ा बोलने पे फोकस करता है, एंड ड्यूरिंग प्री स्कूल जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते थे ओनली फॉर द रीजन ऑफ फिजिकल पेन ही डिसअपॉइंटेड बाय हिज एनवायरमेंट, जब उसको कोई पीट वीट देगा वो डिसअपॉइंट कर देगा भाई यार मार रहे मुझे, मैं नहीं आऊँगा कल से स्कूल में, ऐसे ऐसे करना वो थोड़ा कर देगा उसमें, ठीक है, मतलब वो जब उसको फिजिकल पनिशमेंट मिलेगी तो वो मतलब एक डिसअपॉइंट हो जाएगा वहाँ से लेके। ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स जब बच्चा स्कूल में चल जाता है और 15 एज के आसपास होता है तो उसमें क्या बिहेवियर होता है, प्रेशर हेल्प हिम टू आउट ग्रो एंड क्राइंग हैबिट, जो उसका सपोज आपका पीयर ग्रुप ही है, मतलब तुम अभी स्कूल एज में चले गए 15 ईयर के हो तो आपके अपने फ्रेंड ग्रुप को देख के आप उसको प्रेशराइज कर लो, नहीं रोना है वो नहीं करना है वो नहीं करना है, तो आप उससे आउटकम मतलब उसे कोप अप करने के लिए तो कम कर दोगे, हम वहाँ पे ये लिखा ना प्रेशर हेल्प हिम टू आउट ग्रो द क्राइंग हैबिट विच डिक्रीज रैपिडली, अगर आप अपने सर्कल में रहोगे तो बोलेंगे अबे यार ये क्या मतलब लड़की बन रहा है रो रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे बोलोगे तो वहाँ पे क्या उसका जो रोने का तरीका है वो रोना ही बंद कर देगा, वहाँ पर अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेगा। इन यंग अडल्ट का बिहेवियर क्या होता है हम देखते हैं, इनमें क्या होता है यंग अडल्ट जो होते हैं अल्टीमेटली इट बिकम अ लिमिटेड क्वाइट क्राइंग इन प्राइवेट ओनली फॉर द रीजन ऑफ ग्रीफ ऑफ वन ऑफ द इंटेंशन इमोशन, बेसिकली जब यंग अडल्ट में वो इनका तो बेसिकली हाइड ही हो जाता है जो रोना होता है, ये किसी एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये मतलब एक इंटेंस इमोशंस होता है क्रिटिकल सिचुएशन में ये रोते हैं, सो डिफरेंट टाइप ऑफ क्राई इन्होंने दिया हुआ है, ऑब्सटेन क्राई, फ्राइटेंड क्राई, हर्ट क्राई एंड ये क्या है कॉम्पनसेंट्रिक क्राई, ये बच्चों के दो तीन तरह के इन्होंने क्राई दिए जो हमने पहले पढ़ लिया, इसमें ऑब्सटेंट क्राई में देख लेते हैं हम, द चाइल्ड थ्रो अ टेम्पर टेंट्रम टू थ्रू डेंटल ट्रीटमेंट इट इज़ ए लाउड एंड, जब बच्चा रोता है अगर आप बच्चों क्लिनिक व्लिनिक टाइप में ले जाते हो तो बच्चा रोता है हाई पिच रोता है एंड पोज टू रिपीट ओवर, मतलब बच्चा रोएगा फिर चुप होगा फिर रोएगा फिर चुप होएगा, मतलब उसका प्रोसेस चलता रहता है रोने का एट द ऑब्सटेंट क्राई जो हमने बताया था ना कई तरह के रोते हैं बच्चे। तो इसमें थर्ड है कैटेगराइज एट सैरन लाइक वेल रिप्रेजेंट एज ए चाइल्ड एक्सटर्नल रिस्पॉन्स टू एंगजाइटी, ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें देखते हैं हम, ऑब्सटेंट क्राई दोबारा से प्रिंट हो गया है, फ्राइटेंड क्राई जब बच्चा डर जाता है तब का ये रोने का उसका तरीका है, यूजुअली अकम्पलिश्ड बाय द टोरेंट्स ऑफ फियर, बच्चा आंसू बहा बहा के रोने लगता है भाई मतलब क्या हो गया उसको डर जाता है जब बच्चा, और कॉर्निवलस ब्रीथ मतलब बच्चे को सांस मतलब तेज़ तेज जाने लगती है उसकी सांसें एक लंबी रोने लगता है तो बहुत देर में सांस लेता है, इस तरह का कुछ उसमें देखने को मिलता है फ्राइटेंड क्राई में। यूजुअली द चाइल्ड एमिटिंग द टाइप ऑफ क्राई हैज़ बीन ओवरऑल ओवरवेल्म बाय द सिचुएशन, जब बच्चा मतलब सिचुएशन से डर जाता है बहुत ज़्यादा, छोटी एज की बात है ये हमने पढ़ लिया है, ये कितने बार प्रिंट कर दिया पैटर्न का हमने देख लिया है, हार्ट क्राई ये हार्ट क्राई होते हैं इट मे बी लाउड फॉर मोर फ्रिक्वेंट, जब बच्चे को हर्ट करता है कि चलो सपोज बच्चा बेड पे बैठा हुआ था वो एकदम से गिर जाता है तो हर्ट हुआ उसको चोट लगी ना तो उस टाइम पे बच्चा रोना शुरू करता है, फ्रिक्वेंटली अकम्पोलिश्ड बाय द स्मॉल वेम्पर इनिशियली द चाइल्ड डिसकम्फर्ट टू शो द सिंगल फियर फीलिंग ऑफ द कॉर्नर फॉर द आइज ऑफ रनिंग एंड द चाइल्ड चेक फॉर आउट ऑफ द मेकिंग रेसिस्टेंस,
तो हर्ट कर बच्चे गिर जाते हैं, तो एक शॉर्ट वे में रोना शुरू करते हैं। सो आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।